एटीएम मशीनों के बाहर खड़े होकर लोगों की मदद के बहाने एटीएम बदलकर टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को सलोनडीह पुलिस ने फर्जी एटीएम कार्ड स्वैप मशीन के साथ दबोच लिया। पकड़े गए अभियुक्त में से रजक अली व धीरज नाम अभियुक्त प्रतापगढ़ जनपद निवासी हैं। इससे पूर्व भी इनका आपराधिक इतिहास थाने में दर्ज है। आपको बता दें कि जनपद में पिछले काफी समय से एटीएम के बाहर टप्पेबाजी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी और पुलिस ऐसे अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। सलोन वड्डी पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रजक अली और धीरज नामक ऐसे दो अभियुक्तों को दबोच लिया, जिनके पास से 3 फर्जी एटीएम कार्ड, फर्जी कमिश्नर का आइडेंटिटी कार्ड, एक स्वाइप मशीन सहित 38,000 नगद, 53 कारतूस बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को खुलासा करते हुए मीडिया से रूबरू कराते हुए अभियुक्तों संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को खुलासा करते हुए मीडिया से रूबरू कराते हुए अभियुक्तों संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। सर, आज किसी से खुलासा था, क्या मामला था? जनपद रायबरेली में थाना सलोन और डीए पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जो आए दिन ऐसे लोगों को शिकार बनाते थे जो एटीएम के बारे में कम जानकारी होती थी या चला नहीं पाते थे। उनका एक क्लोन बना लेते थे, फ़ोटो खींच लेते थे, पिन नंबर देख लेते थे और इनके पास एक स्वैप मशीन हुआ करती थी, उसके सहारे डिटेल लेके पैसे निकाल लेते थे। इन 3 नकली एटीएम कार्ड, इनके पास से कई जाली आई कार्ड, स्वैप मशीन और 38,000 रुपये भी एक साथ बरामद हुए। सर, ये जो आई कार्ड बनाए थे हुए थे किस चीज़ का आई कार्ड था क्या? ये सरकारी अधिकारियों का आई कार्ड बनाते थे। अभी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 1-2 आई कार्ड बरामद भी हुए हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 2 साथी इसके अभी फरार हैं। ठीक है सर।